हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आज रिट से घुमाने लाए हैं इंडिया गेट। तो गाइस, अभी हम लोग कर्तव्य पथ पर हैं, जो कर्तव्य पथ का पहले नाम राजपथ था, जो मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग ना देखा तो प्लीज़ वो ब्लॉग जरूर देखिएगा ये ब्लॉग देखने के बाद। और गाइस, अब आप लोग को मैं साइड व्यू दिखाते हुए राजपथ इंडिया गेट की तरफ लेकर चलते हैं। चलिए चलते हैं इंडिया गेट की तरफ। साइकिल हायर कर ली और साइकिल से मैं इंडिया गेट तक जाऊंगी। इंडिया गेट गाइस, जब हम इंडिया गेट पहुंच चुके हैं, लेकिन इंडिया गेट के पास नहीं पहुंचे। इंडिया गेट लगभग पास नहीं है, लेकिन उसके पास तो जाने के लिए हम लोग को करना होगा। लेकिन जितना पास का प्रयोग करें, तो गाइस हम लोग अंडर पास का यूज करते हुए अब जा रहे हैं इंडिया गेट के पास। लेट्स गो। यहाँ पे चेकिंग का भी पूरा लगा हुआ है, चेक करा के अपने आप को फिर अंदर जाने का रास्ता है यहाँ पे। ये आप लोग देख ही रहे होंगे गाइस, ये देखिए हमें अंडर पास रास्ते से अब इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए साइड व्यू इसका, यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं कहाँ पे क्या इंडिया गेट के लिए फेमस है। गाइस फाइनली अब इंडिया गेट के पास पहुँच गए। आप लोग देख ही रहे होंगे इंडिया गेट का भव्य नज़ारा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और गाइस, ये हिस्टोरिकल प्लेस है जो शहीदों की याद में अंग्रेज़ों ने बनवाया था। ये अंग्रेज़ों के शासनकाल का है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और इस इंडिया गेट की एक ख़ास बात ये है कि ये पूरी दिल्ली में यही एक ऐसा प्लेस है जो पूरी रात खुला रहता है। गाइस यहाँ पर अब इस समय रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन आप यहाँ की भीड़ देखिए कितनी भीड़ है। दिल्ली में यही एक ऐसा प्लेस है जो पूरी रात खुला रहता है, और बड़ा इन्जॉय सब लोग करते हैं यहाँ पे, मतलब नाइट इन्जॉय बोल सकते हैं इसको। गाइस जब भी आप दिल्ली आइए, पूरा दिन हर जगह प्लेस खुले, क्योंकि मोस्टली हर प्लेस 5 बजे 6 बजे क्लोज ही हो जाता है। लेकिन ये इंडिया गेट एक ऐसा प्लेस है जो पूरी रात खुला रहता है, फुल एंजॉय कर सकते हैं। गाइस आप ये जो सुभाष चंद्र बोस की स्टेचू कैनोपी के नीचे देख रहे हैं, ये इंडिया गेट के जस्ट पीछे है। इस सुभाष चंद्र बोस की स्टेचू का इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125th बर्थ एनिवर्सरी में किया था। आप लोगों को मालूम होगा कि ये कैनोपी बहुत सालों से खाली पड़ी थी, और यहाँ पहले जाज पंचम की स्टेचू हुआ करती थी, जिसको कोरोनेशन पार्क में लगा दिया गया था। लेकिन अभी यहाँ सुभाष चंद्र बोस की स्टेचू लग गई है, जिससे ये इंडिया गेट नए लुक में आ गया है, और अब बहुत अच्छा लगने लगा है ये। गाइस आप लोगों ने इंडिया गेट देख ही लिया होगा, तो आप लोग बताइए इंडिया गेट कैसा लगा। अगर आप लोगों को इंडिया गेट अच्छा लगा हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को पूरा तरीके से वायरल कर दीजिए। थैंक यू गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट ब्लॉग में।